मैं मानूंगा ही नहीं गाइस, इसको तो हम लोग फुल्ली बॉडी बिल्डर बना सकते हैं यार। आ भाई साहब, ये गेम नहीं ब्रो, ये गेम, आप लोगों को ये गेम लग रहा है? आई मीन ऑब्वियसली ये गेम ही है। व्हाट गाइस, ये तो ट्राइसोटोप्स का एक बच्चा है गाइस, यहां पे सीरियसली एक बच्चा भी घूमता रहता है क्या? ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड, सीरियसली बता रहा हूं गाइस, आई एम बोल्ड गेमिंग, आई एम बोल्ड भाई इज बैक विद आर्क सर्वाइवल इवॉल्व एसेंडेड। एंड यार मैं ना सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिल का बात बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिल का बात बोलते हैं, एंड देन गाइस वी विल स्टार्ट दिस गेम। मैं इस गेम का गेम प्ले देखा भाई साहब, ग्राफिक मस्त है मैन, मस्त है ग्राफिक यार ब्रो, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स यार। अर्ली एक्सेस स्टेट पे है, कुछ कुछ भाइयों को पसंद नहीं आ रहा है ये गेम, बट यार मैं तो यार डायरेक्टली यार हार्ट एकदम दिल से गाइस, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व गेम यार, इसी गेम ने मेरे को बनाया है ब्रो, इसी गेम के कारण आप लोग मुझे जाने हो, ठीक है, तो आई लव दिस गेम एंड मुझे काफी पसंद आया, एंड मैं आर्क सर्वाइवल एसेंडेड वर्जन में कोई भी मॉड यूज नहीं करने वाला हूं। एंड हाँ गाइस, काइजो सीरीज भी चल रहा है, बट गाइस ये रिलीज हो गया था यार कल या परसों में ही यार, मैं यार देखा, एक मिनट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है स्टार्ट करता हूँ, कमिंग सून सर्वाइवल द फिटेस्ट ने क्रिएट गेम मॉड लिस्ट भी है, अभी से मॉड भी आ गया क्या, कौन कौन से मॉड आ गया, उत्तरी उत्तरी ओए ओए बेटे, यहाँ पे कुछ मॉड्स आ गए जैसे कि देख पा रही, ये तो गरुक, ओ ओ शिट, सेरा तो सूरज मैन, सेरा तो सूरज, और ये अर्चिलियन, ओ आ ये, बट यार पहले इस गेम में जो डायनासोर से उन लोगों को तो देख लेता हूँ ना, एंड क्या बोला था गाइस पहले क्या हो गया, एक मिनट मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ, ओके पहले यार जब ये गेम रिलीज हुआ मैं यार मेरे को लगा कि गेम ज़्यादा महंगा होगा नहीं, खरीद लेता हूँ, जा करके देखा यार 3000 यार 500 के आसपास है, 3500 एक गेम का ब्रो, बट आर्क है इसीलिए यार खरीदना तो पड़ेगा। एंड यार मैं हार्ड में खेलूँ कि क्या मीडियम में खेलूँ क्या, वैसे गाइस हार्ड में खेलता हूँ यार, हार्ड में खेलने में मज़ा आता है मैन, हार्ड में खेलने में मज़ा आता है यार, हार्ड इज लाइफ, बहुत यार बहुत महीने हो गए यार हार्ड खेलने में, ठीक है, सो यस आई कैन डू इट, आई कैन प्ले इन हार्ड एंड कोई टेंशन वाला बात होगा नहीं, ठीक है यार, स्टिल यार थोड़ा सा डर तो है कि आर्क सर्वाइवल इवॉल्व एसेंडेड है ब्रो, हार्ड वर्जन खेल रहा हूँ, हार्ड मोड खेल रहा हूँ, क्या होगा, एनीवे चलो गाइस देखते हैं, ये गेम बहुत फंटास्टिक होने वाला है ब्रो, आई एम सुपर 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 एक्साइटेड मैन, सुपर एक्साइटेड यार, क्या बात कर रहे हो गाइस, ये कैरेक्टर है, नहीं मैं मानूंगा ही नहीं मैन, अगर गाइस ये ग्राफिक देखने को मिलेगा गेम में, ओह शिट गाइस, इस बार आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे हाथ में वेन्स भी दिखाई दे रहे, क्लियरली यहाँ पे आप लोग स्किन स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस कैरेक्टर को यार रीडिफाइन किया गया है यार, ह्यूमन नहीं ब्रो, बोल्ड भाई मैन, नाम तो सुना होगा ना ब्रो, बोल्ड भाई यार, एंड स्किन कलर हाँ अपना इंडियन स्किन कलर, उत्तरी ये कुछ ज़्यादा ही गोरा हो गया हूँ, अपने कलर के हिसाब से रखेंगे, ये कलर बेस्ट रहेगा, ये नहीं नहीं ये कलर बेस्ट रहेगा, ठीक है, एंड ओवरऑल हाइट पे ध्यान देते हैं, मेरा हाइट है गाइस 5'11", तो कैसे मालूम चलेगा कि 5'11" है कि नहीं, ठीक है पूरा ही टॉल बना देता हूँ यार, इसमें इतना क्या टेंशन वाला बात है, उत्तरी 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 गाइस, इस बार हम लोग बॉडी ऐसे बना सकते हैं क्या, मैं मानूंगा ही नहीं गाइस, इसको तो हम लोग फुल्ली बॉडी बिल्डर बना सकते हैं यार गाइस, इस गेम में हम अपने कैरेक्टर को फुल्ली एक बॉडी बिल्डर जैसे बना सकते हैं, एंड ये एक मोटा भी बना सकते हैं क्या, स्किनी टाइप एकदम स्किनी टाइप बॉडी बिल्डर बना सकते हैं, आ ये बॉय, बट हाँ मैं तो एकदम मस्कुलर में जाऊंगा ब्रो, डायनासोर्स को दिखाना है कि बोल भाई ये हाल की तरह ही लग रहा है यार, ये पा एक मिनट थोड़ा सा यार थोड़ा सा ना, नहीं कटिंग दिखना चाहिए मैन, कटिंग दिखना चाहिए, ओके नहीं 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 फुल ऑन बॉडी कॉम्प्लेक्स, मुझे समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, आई थिंक गाइस दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, ये करते हैं मैन, एंड ओके क्रिएट करते हैं मैन, एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो यार यार ओ वाओ गाइस, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे हार्ड जोन्स पे गाइस ऐसे रेड रेड कलर है, ये मीडियम जोन है एंड ग्रीन जोन, मैं तो यार पहले तो साउथ जोन, मैं आइलैंड मैप ही खेल रहा हूँ ना ब्रो, आई एम वेटिंग फॉर यू यार, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, okay do I even still remember hope I wasn't sure you'd ever turn up
The odds just kept getting longer. Okay. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Oh, man. Everything depends on your survival. ये देख रहे हो मेगलोडोन का, यहाँ पे गाइस मेगलोडोन का साइज रिसाइज कर दिया गया है, ठीक है। ये तो गाइस अपना ब्रॉड मर्डर है ना। ओके, आई विल फाइंड यू फॉर श्योर। गाइस एक चीज आप लोग खुद ही सोचो कि ये तो आर्क सर्वाइवल एसेंडेड है ब्रो, जब यहाँ पे आर्क टू आ जाएगा ब्रो, वो तो यार सुपर फैंटास्टिक निकलेगा यार। यार सीरियसली बता रहे, मेरा तबीयत खराब था यार, बट इस गेम को देखने में, गेम को देखते ही ब्रो मेरा तबीयत ठीक होने लग गया मैन। एक मिनट, थोड़ा सा लैग हो रहा है मैन। ओहो भाई ये गेम लैग क्यों कर रहा है मैन, ये गेम देखो ना ब्रो। आ भाई साहब, ये गेम नहीं ब्रो, ये गेम, आप लोगों को ये गेम लग रहा है, आई मीन ऑब्वियसली ये गेम ही है। एक मिनट, अगर स्पेस दबाऊंगा, ओ यस गाइस, ये देखो यार स्पेस दबाते ही ना पूरा गाइस ये गायब हो गया, ये सब कुछ यूआई वगैरह सब कुछ बढ़िया है। एंड आई नीड टू सी दी डायनासोर्स, आई नीड टू सी दी, व्हाट द, ओ मैन गाइस, ये बॉय ट्राइसेरटॉप्स का आप लोग ग्राफिक देख सकते हो यार। एंड ये व्हाट गाइस, ये तो ट्राइसेरटॉप्स का एक बच्चा है गाइस, यहां पे सीरियसली एक बच्चा भी घूमता रहता है क्या गाइस। मुझे अपने ग्राफिक कार्ड को शायद से यार अपग्रेड करना पड़ेगा आर्क 2 को खेलने से पहले, मैन आर्क 2 भी आएगा ना आई थिंक नेक्स्ट ईयर। तो चलो गाइस करते हैं जो चीज करना है मुझे। क्या यहाँ पे डोडोज अटैक करेंगे, पहले इस डोडो को मारता हूँ। ये तो मर गया, नहीं नहीं ये मरा नहीं, इसको मार देते हैं। ओके मार दिया हूँ, मीट मिल रहा है, हाइट भी मिल रहा है, चलो मैं मार रहा हूँ। कौन मेरे को मार रहा है, अबे इसको क्या हो गया, मार दिया मैन। एंड पानी का आप लोग इफेक्ट देख पा रहे हो ना ब्रो, रुको यहाँ पे मेरे चीजें हैं, चलो फटाक से चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस ग्राफिक, पानी वाला ग्राफिक देखो, आई नीड ऑल दिस थिंग्स मैन। ये मेरे चीजें हैं तो मुझे अपने चीजें वापस चाहिए भाई। यार यूआई वगैरह एकदम सेम है तो हाँ खेलने में यार इतना तकलीफ भी नहीं होगा। एनीवेज जो मुझे पहला चीज़ करना चाहिए वो है गाइस कि मुझे थोड़े से पेड़ को ऐसे मार के घूसा मार कर ठेच, ओए ओए गाइस ये देखो, अगर मैं ऐसे पंच करूँगा इस ट्री को तो गाइस ये ट्री हिलने लगता है मैन गाइस। एंड गाइस हमें पेड़ ऐसे क्यों नहीं मिल रहे, ठेच वगैरह हमें ऐसे ही मिल रहे हैं मैन। ओली मोली, ओके आई थिंक गाइस अगर मैं इस वाले पेड़ पे घूसा मारूंगा तब शायद से गाइस मुझे, यार क्यों नहीं मिल रहा है मैन, क्यों नहीं मिल रहा है गाइस, लकड़ी तो मिल जाने चाहिए थे, ऑब्वियसली मिल जाने चाहिए थे मैन। नहीं मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं एक्स क्यों नहीं बना पा रहा हूं, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हैच तो मेरे पास ऑलरेडी है, स्टोन भी है। तो गाइज आप लोग खुद से ही बोलो, ओ मे बी ऐसा हो सकता है, ये बेटे ये अभिनव रह गया। एंड गाइज यहाँ पे ट्राइसेरटॉप्स अटैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुवेनाइल बच्चे हैं ना, तो बच्चों को हम लोग, बच्चों को टीम कर सकते हैं क्या, लेवल, ओ वेट अ मिनट गाइज लेवल अप इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर गाइज मैं यहाँ पे आई दबाऊंगा तो ओहो, तो हमेशा मैं पहला चीज बढ़ाता हूँ गाइज, आई थिंक यस मैं हमेशा बढ़ाता हूँ, मैं हमेशा बढ़ाता हूँ गाइस रनिंग स्पीड, यहाँ पे मूवमेंट स्पीड है ही नहीं ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो हेल्थ बढ़ा देते हैं, वेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये स्टोन हैचर खोल लेता हूँ, कैंप फायर खोल लेता हूँ, स्पीयर खोलने के लिए मेरे पास इनकम पॉइंट थोड़ी ना है ब्रो। एंड नाउ गाइस आई नीड टू पूरा पेड़ को तोड़ डालू क्या। एंड गाइस यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से गेम को कैसे बना सकते हैं मैन, मैं अभी भी नहीं गाइस लकड़ियों को ढूंढ पा रहा हूँ। एंड मुझे ट्राइसेरटॉप्स के पास यहाँ पे घुसम घुसिया ही नहीं करना है, आई मीन गाइस ये पंचिंग वगैरह। तो गाइस ये वाले पेड़ को तोड़ते हैं, चलो ये गाइस मुझे यार इस पेड़ को पूरा तोड़ना पड़ेगा, देन
पूरे पेड़ को तोड़ डाला एंड स्टिल गाइज आई हैवन गॉट। तो मे भी ऐसा हो सकता है क्या गाइज यहाँ पे यार लकड़ियां वकड़ियां क्या गिरे रहते हैं क्या मीन जमीन पे स्टोन। ओ यहां से मिल नो क्या हो गया मेरे को भूख वूख लग रहा है क्या मुझे अब तो गुस्सा आ रहा है मैन। तो मे भी गाइज मुझे ये बनाने लेना चाहिए क्या नहीं इसके लिए भी तो ऊटी चाहिए मैन क्राफ्टिंग चलो ये बना लेते हैं ये पता नहीं क्या चीज है ये ब्रो नोट है मैन। ओके गाइस तो यहाँ पे एक पेड़ है जैसे कि देख पा रहे हो आई थिंक अगर इस पे मैं पंच करूंगा तो मे बी अरे गाइस मुझे लकड़ियां अभी भी नहीं मिल रहा है यार ये क्या हो रहा है यार लकड़ियां क्यों नहीं मिल रहे यार। अब बनी तू ही बोल। अरे बोल फर्स्ट ऑफ ऑल यार क्या ही बोलूंगा यार ये गेम इतना खूबसूरत कैसे हो गया यार अब तो इस गेम में और ज्यादा मजा आ जाएगा यार। इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा यार सीरियसली बता रहे हैं गाइस इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा एंड मुझे यार यहाँ पे मे बी गाइस अब मुझे समझ में आ रहा है अगर गाइस मैं पत्थर को इक्विप करूंगा पत्थर को इक्विप कर सकता है क्या तू एक मिनट गाइस मैं पत्थर को भी इक्विप नहीं कर पा रहा हूँ ना मुझे पेड़ के यार लकड़ियां मिल रहे हैं ना कुछ और मिल रहा है भाई एंड व्हाट इज दिस अरे बोल यहाँ पे मेगलाडोन्स ऐसे घूमते रहते हैं क्या ब्रो अगर यहाँ पे मेगलाडोन्स ऐसे घूमते रहते हैं शार्क की तरह आई मीन वो तो ऑब्वियसली शार्क ही है ये तो काफी खतरनाक सीन हो गया मैन मुझे मेगलाडोन को देखना है मैन आई नीड टू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ दिस मेगलाडोन ब्रो ये देख रहे हो मेगलाडोन कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है मैं पास में तो जाऊंगा नहीं ब्रो आई थिंक ही विल अटैक मी इन अ वेरी फेरिशियस वे ए मेगलाडोन यार अब यार आर्क टू खेलने के बाद यार मुझे ना नॉर्मल आर्क सर्वर खेलने में मजा नहीं आएगा मैन इसने मेरे को अभी भी देखा नहीं किया भाई तेरा आंख आई थिंक गाइस ये अंधा होगा इसलिए इसने मेरे को अभी तक देखा नहीं। एनीवेज गाइस हम लोगों ने एक चीज तो देख लिया कि यहाँ पे शार्क्स मेगलाडोन शार्क शार्क की तरह ऐसे यार अपने फिन को निकालते हुए घूमते रहते हैं। एनीवेज गाइस यहाँ पे बहुत सारे ट्राइसेराटॉप्स मेरे को फिर से दिखाई दे रहे एंड मैं फिर से यहाँ पे एक ट्री को पंच करने वाला हूँ एंड गाइस इसी के साथ गाइस मुझे लकड़ियाँ मिल चुके हैं बट मेरा कुछ सीन हो गया मैन वेट अ मिनट गाइस मैं ना पहले ये बना लेता हूँ एंड गाइस अगेन समवन इज नियर बाई मी मैन वुड तो मिल चुका है आई थिंक यस पहले ये बना लेते हैं गाइस फिर गाइस मुझे फ्लिंट मिलेगा एंड गाइस हाँ मुझे बेरीज भी खा लेना पड़ेगा बिकॉज मैं काफ़ी भूखा हूँ एंड मेरे पास एक ही बेरी है एंड मैंने पहला अपना पहला वाला हार्वेस्टिंग वेपन बना लिया जो कि है ये एंड इससे मुझे ढेर सारे गाइस फ्लिंट मिलेंगे यस मिल चुका है फ्लिंट ये तू मेरे को अटैक मत करना बट गाइस यहाँ पे डायनासोर का ग्राफिक मेरे को बढ़िया लग रहा है मैन एंड गाइस इसी के साथ गाइस मैंने हैचर भी बना लिया हूँ ओ शेट ब्रॉय ओ सीड बॉय ओ सीड बॉय। तो गाइस मैंने अपना दूसरा वेपन भी बना लिया है जो कि है गाइस अपना हैचर अब गाइस मैं ढेर सारे पेड़ों को कट कर पाऊंगा चलो गाइस अब ये देखते हैं शेट गाइस यही तो प्रॉब्लम है गाइस यहाँ पे डिल्फोसोरस है ओ मैन गाइस नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस मैं मुझे स्पीयर चाहिए ना डिल्फोसोरस के साथ पंगा लेने के लिए आई विल डू इट बॉय डी आई विल डू इट तो स्पीयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए फाइबर चाहिए राइट तो फाइबर के लिए क्या इतना टेंशन वाला बात है चलो गाइस आपने पहले वाले डायनासोर का शिकार भी तो कर लेता हूँ मैन आई थिंक इट इज़ डन और भी एक बना पाएंगे क्या नहीं सिर्फ एक ही बना पाएंगे एनीवेज लेट्स गो एंड हंट डाउन दिस डिल्फो अब इसको मैं खतिया खड़ी करने वाला हूँ पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं लेट्स डू इट ओके लेट्स डू इट ट्राइसरटॉप्स का बच्चा है क्या मैं अगर मैं इसको टेम कर लेता ना तब तो बहुत बढ़िया होता मैन अभी कुछ लिखा हुआ है यार पता नहीं कैसे टेम कर पाएंगे बट देयर विल बी सम वे कुछ तो वे होगा जिससे कि मैं गाइस टेम कर पाऊंगा आज तो मैं खाली देख रहा हूँ ऊपर से देख रहा हूँ डिल्फो आजा छचिंदर आजा मुझे तेरे को मारना आता है ठीक है मुझे तेरे को मारना आता है मैंने तेरे को बहुत मारा है एंड गाइस मैंने इसको मार भी दिया बट इसने मेरे को पॉइजन करा दिया है मैन ठीक है मुझे थोड़े से बेरी चाहिए था एंड मैंने अभी जस्ट डिल्फोसोर को मारा था ना अबे रुक 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 इसको भूख लग रहा है एंड हाँ
यही खा लेता हूँ. वॉट इज दिस बेरी? वर्ड बेरी कॉमन फाउंड. ओके एंड फिर से गाइस लेवल अप इज अवेलेबल. आई थिंक गाइस इस बार मुझे थोड़ा सा क्राफ्टिंग स्पीड बढ़ा लेना चाहिए. एंड हाँ, अब मुझे कपड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा एंड घर के लिए भी ध्यान ही देना पड़ेगा. मैन स्टोरेज बॉक्स तो बना ही लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड गाइस यार, ओ वाओ गाइस, यहाँ पे खून के धब्बे भी दिखाई. व्हाट गाइस, इस गेम में खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं क्या? भाई साहब, इतना मस्त गेम कैसे हो सकता है? मैन इतना बढ़िया और मस्त गेम, तीन दबाते ही मेरा स्पीयर निकला क्यों नहीं? अब इसको क्या हो गया मैन? अब इसको क्या होगा? भूख लग रहा है. अच्छा, इसको भूख लग रहा है क्या? तो मुझे ये बना लेना पड़ेगा. इसके लिए मुझे स्टोन चाहिए एंड फ्लिंट चाहिए. अब गाइस कोई इतना टेंशन वाला बात है नहीं. अच्छा गाइस, मेरा वो तो तोड़ ही गया. स्टोन दे दे भाई. अच्छा ठीक है, स्टोन के लिए मुझे इससे मारना पड़ेगा तो स्टोन मुझे मिल जाएंगे. क्या स्टोन मिल रहा है मैन? स्टोन दे दे यार. पर स्टोन दे दे यार. ओके आई थिंक एनफ नाउ आई कैन. अबे नहीं, 16 स्टोन चाहिए था. मेटल मिल रहा है गाइस. पानी वाले के पत्थर है ना, पानी वाले के पास यार. यस मिलता है मैन, मेटल मिलता है. कितना मार रहा हूँ तब से यार. ये फ्लिंट पे फ्लिंट ही मिले जा रहा है मैन. वैसे हाँ गाइस, फ्लिंट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. स्टोन फिर से मिला एंड आई थिंक गाइस एनफ. और भी चाहिए? और डो चाहिए क्या? वाओ गाइस, यहाँ पे इफेक्ट भी पड़ता है मैन. ये देखो गाइस, यहाँ पे यार इफेक्ट होता है गाइस, स्टोन हिटिंग इफेक्ट. एंड आप यस बना पाएंगे. इसको फटाक से बना लेता हूँ. हाँ एंड मुझे थोड़े से गाइस यार, इसको क्या हो गया? अच्छा मेरे को लगा ये मेरे को अटैक करने के लिए आया. अब ये अटैक वटैक तो नहीं करेगा ना मैंने. ओ भाई, यहाँ पे पेड़ गिरने का इफेक्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा. पूरी तरीके से ये पेड़ ख़त्म नहीं हुआ है. एनीवेज मैं अपने घर को इधर ही बनाने वाला हूँ, एकदम ओसन के पास में. सो यस, इन्वेंट्री में जाते हैं. तो इसको यस, पहले तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. एंड यस, यहाँ पे फिर से मुझे लकड़ियों को ऐसे ट्रांसफर करना पड़ेगा. मीट है मेरे पास तो इसको. व्हाट, आई कैन नॉट कुक क्या? तो इसको कुक क्यों नहीं कर पा रहा है मैं? इसको लाइट कर. ओके लाइट हो रहा है. ओ फायर इफेक्ट देख रहे हो गाइस? फायर इफेक्ट देखो आप लोग, खाली फायर इफेक्ट देखो यहाँ पे मैन. ये गेम बढ़िया है मैन. गाइस मैं तो मर ही जाऊंगा यार. खाना बना कि नहीं अभी तक यार? दिखा दे यार. खाना तो बन के रेडी हो चुका है. डायरेक्टली इसको यार कंज्यूम ऐसे नहीं कर सकते ना, पहले इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड देन गाइस इसको खाना पड़ेगा. एंड गाइस आई थिंक अब मेरा फूड मीटर फुल होने लगा है. यस इसको बनने देता हूँ. ठीक है एंड वेट अ मिनट गाइस, कपड़ा भी बनाना पड़ेगा. पर उससे पहले गाइस मुझे एक स्पीयर और बनाना पड़ेगा. एंड स्पीयर के लिए, जी हाँ गाइस, मुझे फाइबर चाहिए. फाइबर चाहिए, स्टोन चाहिए. ठीक है आई थिंक हाँ स्टोन भी मुझे चाहिए होगा. स्टोन मिल रहे हैं गाइस, स्टोन बहुत सारे मिल रहे हैं. ओह अब एक और चीज़ मिसिंग है, बट क्या चीज़ मिसिंग होगा गाइस? क्राफ्टिंग पे जाते हैं ना एंड देन गाइस स्पीयर पे जाते हैं. एंड वुड चाहिए, और भी वुड चाहिए क्या? ठीक है वुड ले लेंगे. अगर वुड चाहिए तो गाइस इससे मारना होता है. ठीक है अगर थैच चाहिए तो गाइस अपने स्टोन पिक से मारना होता है. एंड देन गाइस आराम, अब मैं शायद से ज़्यादा बना पाऊंगा ना, दो बना पाएंगे. यस एंड देन गाइस मुझे ये पेन भी बना लेना पड़ेगा. पेन बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, पेन तो बना ही लेंगे. पर क्या गाइस आज हम लोग एक डायनासोर को टेम कर सकते हैं? आई मीन गाइस इसको टेम करना बहुत ही आसान था गाइस. इसको या बेरीज, नहीं नहीं इसको थोड़ी ना बेरीज ब्रो. इसको टेम करने के लिए गाइस मुझे एक गड्ढा बनाना पड़ेगा. एक मिनट यहाँ पे जाते हैं. मुझे गोल्ड क्लब चाहिए होगा और स्लिंग शॉट से भी काम हो जाएगा. बट इसके लिए गाइस ये है एनग्राम पॉइंट है ही नहीं मैन. चलो एनग्राम पॉइंट भी आ जाएगा गाइस. मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक मैं फाइबर इस ये बना पाऊँगा ना. ओ बहुत सारे फाइबर चाहिए मैन. चलो गाइस कलेक्ट कर ले बेटे. यार इसको फाइबर कलेक्ट नहीं करना है क्या? ओ अब मिल रहे 50 फाइबर चाहिए गाइस. एंड मैं मर ही जाऊंगा शायद से गाइस, अगर मैंने एक डोडो को नहीं मारा ना अभी मैं मर ही जाऊंगा. एनीवेज गाइस मुझे इस डोडो को मार लेना पड़ेगा ब्रो. आ जा, दो हिट मारेंगे तो मर जाएगा. और एक हिट. एंड यार टूट क्यों जाता है मैन? यस एनफ मिल चुका है गाइस हाइट मुझे. चलो गाइस इसको डालता हूँ इधर. कितने चलिए गोपीदा फूल बन के. इसको ट्रांसफर करते, इसको बनने देता हूँ.
यार मुझे ना ढेर सारे बेरीज खा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा अवस्था काफी, ये कौन सा मैग्ना बेरी, इससे यार मेरा फूड मीटर बढ़ रहा है कि नहीं, इससे फूड मीटर तो हाँ बढ़ रहा है मैन, बट मुझे चेरी बेरी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, अब मैं जूता बनाना नहीं, पैंट, पहले तो पैंट ही बनाना पड़ेगा, 50 और थोड़े से चाहिए, थोड़ा सा कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ओके मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। यस डन ब्रो, डन, लेट्स क्राफ्ट दिस। एंड थैच फाउंडेशन लगा देता हूँ, ठीक है, इसको इक्विप कर लेता हूँ मैं। पैंट के साथ कैसा लगता है ये अपना बंडा, वाओ प्रॉपर गाइस डायनो हंटर की तरह लग रहा हूँ यार, गाइस प्रॉपर ना डायनो हंटर की तरह लग रहा हूँ यार, सीरियसली। एंड हाँ लेवल अप इज अवेलेबल, इसका मतलब गाइस मैं स्लिंग शॉट को खोल पाऊंगा ना। अब गाइस मैं मिली डैमेज पे ध्यान देता हूँ, हाँ, एंड देन गाइस मेन जो चीज़ है, मुझे एक डायनासोर चाहिए, तो एक स्लिंग शॉट मुझे बनाना ही पड़ेगा। आई नीड टू मेक ए स्लिंग शॉट एंड मुझे कार्बोनिम्स को टेम करना है। स्लिंग शॉट, एक मिनट क्राफ्टिंग पे जाते हैं। एंड देन गाइस स्लिंग शॉट के लिए मुझे फाइबर चाहिए एंड वुड चाहिए, ठीक है, फाइबर और वुड कलेक्ट कर, फाइबर कलेक्ट कर, फाइबर तो बहुत सारा मिल ही चुका है मैन। ओके एंड चलो अब वुड कलेक्ट करते हैं, मारते हैं। ओके नो आई थिंक 22 वुड चाहिए होगा, डन आई थिंक मैन, नाउ आई कैन इजीली क्राफ्ट दिस थिंग। अब गाइस मुझे चाहिए होगा पत्थरें, ढेर सारे पत्थरें चाहिए होगा, ठीक है, चलो पत्थर इसलिए चाहिए होगा क्योंकि गाइस अब मैं क्या पकड़ने वाला हूँ, किसको गाइस, कार्बोनिम्स को बेहोश करने वाला हूँ। एंड मुझे लग रहा है कि गाइस मैं कार्बोनिम्स को बेहोश कर भी लूँगा, लेकिन खाने का मीटर अभी भी डाउन है, बहुत डाउन है मैन। एनीवेज चलो गाइस अपने स्लिंग शॉट को जो कि इन्वेंट्री में है, इसको फोर्थ पोजिशन पर रखते हैं। एंड हाँ इसमें खाना कितना हो गया वो देखते हैं, खाना 60 ऑलरेडी डन, तो खा लेते हैं, एकदम पेट फुल कर लेना पड़ेगा, पेट फुल हो चुका है आई थिंक, इसको बुझा देता हूँ, ठीक है, ऑल राइट तो अपना ये निकालते हैं। एंड अब चलो गए कार्बोन नीम्स को ढूंढे, इसको क्या मैं बेहोश कर सकता, अगर मैं इसको मार दूंगा ना ब्रो तो यार ट्राइसोटॉप्स के मम्मी पापा आकर के मेरे को मार देंगे, तो जुवेनाइल के साथ अभी मैं पंगा नहीं ले सकता हूँ, इस गेम को पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। बट यस गाइस कार्बोन नीम्स, आई कैन फाइंड ए कार्बोन नीम्स, कार्बोनिम्स थोड़ा आगे जाकर के देखो क्या, मे बी आगे मुझे मिल भी सकता है, चलो देखते हैं। बनी ओवरऑल तेरे को कैसा लग रहा है यार? ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है, बट ये तो स्पाइनोसॉरस है। कहाँ पे? यहाँ पे स्पाइनोसॉरस है क्या? शेट गाइस यहाँ पे स्पाइनोसॉरस है। एंड मां कसम गाइस अगर स्पाइनोसॉरस ने मेरे को देख, बट गाइस स्पाइनोसॉरस यहाँ पे कैसे मैन, स्पाइनोसॉरस यहाँ पे कैसे मैन, ये तो इजी वाला लोकेशन था, पता नहीं गाइस यहाँ पे स्पाइनोसॉरस कैसे आ गए हैं, बट मैं तो भागता हूँ मैन। एंड मुझे प्यास लग रहा है, एंड वहाँ पे कार्बोनिम्स है, चलो ऐसा पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे पिरानास है कि नहीं, एक मिनट गाइस एक चीज़ हो गया ना यहाँ पे, जैसे कि देख ये मेरा बॉडी है एंड मुझे अपने बॉडी से ही मीट मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई किर 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 कौन कर रहा है यार, मैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे है एक स्पाइनोसॉरस, बट यहाँ पर जाऊँ, अभी भी गाइस मुझे आवाज़ सुनाई तो दे रहे हैं। आई थिंक गाइस ये आवाज़ की है, मछली भी आवाज़ कब से करने लगे मैन, मछली का आवाज़ है नहीं मैंने, ये किसी यार जानवर का आवाज़ होगा ये, यार इस तरफ मुझे आना चाहिए कि नहीं यार, यार आइलैंड का जो यार मैप है कितना बढ़िया बना दिया गया है यार, कितना बढ़िया बना दिया गया गाइस, होली शिट मैन। अगर गाइस मुझे कार्बोनिम चाहिए ना ब्रो तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मैन, ओविरेप्टर भी, ये क्या है, अबे यार पेगो में स्टैग यार, ये इधर भी है यार, मैं डर गया यार, कोई क्या आ गया ऐसे करके मैं डर गया था। डोडो को पकड़ के कोई फायदा तो होगा नहीं, बट
इसको पकड़ो कि नहीं नहीं इसको नहीं पकड़ते मैन। कार्बोनिम्स, आई नीड कार्बोनिम्स। मुझे शायद से गाइस कार्बोनिम्स इधर भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ी देर पहले मेरे को एक ओढ़ा। चलो गाइस उसके साथ थोड़ा सा पंगा लेते हैं। क्या ना हिट हिम, इतना दूर तक क्यों जाएगा मैन? पानी के अंदर थोड़ी ना मार पाएंगे, बट पानी एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। यार इसका यार डिटेल काफ़ी बदल दिया गया है, आई विल शो यू। ठीक है, इसका आप लोग निचला हिस्सा अगर देखोगे, निचला हिस्सा पे ध्यान दो यार, पूरा कछुए की तरह बना दिया है। इसका आई थिंक मुंह भी चेंज हो गया है मैन, इसका मुंह भी चेंज हो गया है शायद, आई थिंक सो गाइस। ठीक है, एंड आप ये मैं यहाँ से इसको मार पाऊँगा। चलो अबे लग जा, लगा। ओह शिट आजा। यस इसका स्टेटस वगैरह भी दिखाई दे जा रहा है क्या? ओके मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक्चुअली फोकस नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है अबे यार, आई थिंक गाइस ये बेहोश होने वाला है इसलिए भागेगा अभी। बट एक मिनट आई नीड टू कैंसिल दिस। भाई तो भाग नहीं पाएगा ऐसे, रुक जा। अरे यार अरे बेहोश क्यों नहीं होता तू? शिट गाइस मेरे पास पत्थर भी है नहीं। मिल गया, अच्छा। अरे भाई इसका स्टेटस दिखाया जा रहा था यार। मुंह पे मार बोल्ड, मुंह ही इसका वीक पॉइंट है। आप बना ले। यस पूंछ नहीं ब्रो, मुंह। अरे यार एक कार्बोनिम्स को बेहोश करना इतना दिक्कत होगा इस गेम में, मुझे ये चीज नहीं पता था। जल्दी से पत्थरे दे दे। ओके आजा। आई हैव नो आइडिया मैं इसको बेहोश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे पत्थर मार दिए बट फिर भी मैं इसको बेहोश नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो इसका पूरा मुंह लाल हो गया है। बट यार ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बोनिम तो बेहोश क्यों नहीं होता भाई? ये भाग रहा है मैन, दिस इज द टाइम। मुझे इसको हील होने नहीं देना है, इसका मुंह पूरा घाव से भर गया है। एंड तू ही बनेगा मेरा पहला डायनासोर इस गेम में, ठीक है? तू ही बनेगा मेरा पहला डायनासोर इस गेम में, मुझे इतना तो यकीन है कि मैं तेरे को पकड़ पाऊंगा, बट तू मर मत जाइयो। अरे गाइस यार इस गेम में यार कार्बोनिम्स तो यार एक टैंक डायनासोर है मैन, टैंक समझते हो ना ब्रो, मतलब जल्दी मरता नहीं मैन। चलो निकाल लेते, कहां पे है? किसको मार रहा है तू? शायद से मैं इसको मार ही नहीं पाऊंगा, शायद से मैं इसको यार बेहोश ही नहीं कर पाऊंगा। देख रहे हो ना गाइस, देख रहे हो ना मैंने ना, एक मिनट गाइस अब मुझे देखना पड़ेगा यार मेरा ये टूट गया है तो क्या चीज मिसिंग है। फाइबर मिसिंग है, फटाक से फाइबर कलर कर लो बट एंड लेट्स क्राफ्ट दिस। कार्बोनिम जा रहा है मैन, बन जा। यस बन के रेडी हो चुके यार, क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा? अरे इतना मारने के बाद गाइस ये कार्बोनिम्स अभी तक बेहोश नहीं हुआ है,
तो आप लोग खुद से ही सोचो, अगर मैंने एक ट्राइसरटॉप्स को मारा होता तो क्या असर होता मेरे साथ। जल्दी से मुझे ढेर सारे पत्थर चाहिए मैन। अब ये भी टूट गया यार, अब ये भी टूट गया, अब ये कौन मार रहा है मेरे को। चलो इसका गर्डन एरिया पे देख सकते हो यार, इतना घायल स्टेट में ये लेवल कितने का? 60 लेवल का है ब्रो, 60 लेवल का है। तो शायद से गाइस मैं इसको इसलिए मार नहीं पा रहा हूं। अब फिर से पत्थर नहीं है मेरे पास। आई नीड पत्थर। मार रहा है, कार्बोनियम इज हियर। बट आई थिंक गाइस ये बहुत घायल स्टेट में है, बहुत ज्यादा घायल स्टेट में है गाइस ये, क्योंकि पूरा बॉडी इसका लाल पड़ गया है। मुझे नहीं लग रहा गाइस मैं इसको टेम कर पाऊंगा, रेदर मुझे लग रहा है कि गाइस ये मर जाएगा। भाई तेरे को मुझे मारना नहीं था दोस्त, अगर तू मेरे टीम में होता ना, इतना पावरफुल टैंकी कार्बोनिम्स। वेयर इज दैट कार्बोनिम्स? वो रहा। ये भाग रहा है फिर से जैसे कि देख पा रहे हो। एंड जब डायनासोर भागते हैं तो आप लोग समझ जाना कि वो लोग बेहोश होने के स्टेज में आ गया है। यस, मैंने इसको बेहोश कर दिया है। पुट फुट, ये ले ये ले, जो तेरे को खाना है खा ले, मैं सब बेरीज डाल रहा हूं। टेमिंग अवस्था में है कि नहीं? आई एम नॉट एबल टू टेम हिम। खा रहा है, खा रहा है ब्रो, सब बेरीज डाल रहा हूं एंड ये टेम हो रहा है। अगर गाइज मैंने इसको टेम कर लिया ना इतना मेहनत के बाद, आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर देना यार, एंड ये मेरा पहला डायनासोर होने वाला है यार। यार इससे यार खुशी की बात और क्या हो सकता है मैन, एम होने में। लेकिन वक्त तो लगा रहा है यार, खा रहा है, वक्त लगा रहा है। एंड यार बढ़िया लग रहा है मैन, बढ़िया लग रहा है यार, सीरियसली देख रहे हो यार, इसका पूरा मुंह देख सकते हो यार। यार बहुत बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में आ चुका है गाइस। आई एम सो, बेचारे का आँख देख पा रहे हो यार, बॉडी देखो ना ब्रो, बॉडी देखो यार। यहाँ पे आप लोग यार इसका पूंछ देख सकते हो, कांटे आ गए हैं यार। कितना डिटेलिंग में गाइस इस गेम को बनाया गया है यार, इस गेम को कितना डिटेलिंग में बनाया गया है यार। एंड ये कितना टेम हो चुका है गाइस, 6.7 टेम हो चुका है। एंड ये कौन सा बेरी, ज़्यादा कौन सा बेरी खा रहा है गाइस ये? चलो गाइस मैं ना थोड़ा सा बेरी ही कलेक्ट कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा, इन इसको भी थोड़ा सा बेरी दे दे पाएंगे। पिंक कलर बेरी ये ज़्यादा खा रहा है, ये पिंक कलर बेरी इस गेम में इंट्रोड्यूस किया गया बेरी है गाइस। जितना बेरी है मैं इसको सारे के सारे बेरीज दे दूंगा, बस मुझे ये चाहिए मैन। आई डोंट नो, आई नीड हिम। मैं सारे के सारे चीज़ें डाल रहा हूँ, ठीक है? तेरे को जो बेरी खाना है, जैसा भी बेरी खाना है खा ले, बस टेम जल्दी से हो ले मैन। एंड अब मैं क्या बनाऊँगा गाइस यहाँ पे? आई थिंक फूड मीटर क्राफ्टिंग मैंने बढ़ाया ना, फोर्टीट्यूड एक बढ़ा देता हूँ, ठीक है? बट गाइस यहाँ पे रनिंग स्पीड क्यों नहीं है यार? इस गेम में रनिंग स्पीड इंट्रोड्यूस करा, मतलब बाद में करेंगे कि नहीं? एंड अगर अभी तक आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस गेम का गेम प्ले यार जबरदस्त होने वाला है गाइस। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइस, जबरदस्त होने वाला है मैन। खा ले 13.3, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सबर का फल मीठा होता है। एंड टेम होने के बाद आप सभी से मिलता हूं। Approximately 10 hours later. गाइस अभी भी थोड़ा सा वक्त है, ये 75% में पहुंच चुका है, ठीक है? कार्बोनिम्स जैसे कि देख पाओगे, एक मिनट ये देखो 78 में पहुंच चुका है। थोड़ा सा और बेरीज इसको दे देता हूं। एंड गाइस अभी रात होने वाला है तो मुझे आई थिंक हाँ इसको क्राफ्ट कर लेना पड़ेगा। गाइस ये गेम बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, यार सीरियसली मेरा दिन बन गया, आप लोगों को पता है मेरा दिन बन गया। आई लव यू सो मच गाइस, मुझे पता नहीं गाइस आप लोग आज लाइक करो, ढेर सारे लाइक करो यार। आर्क एसेंडेड ओपी हो जाना चाहिए गाइस। एंड आज आप लोग जितने भी भाई लोग देख रहे हो, प्लीज़ यार सारे के सारे भाई लोग लाइक कर दो। एंड ऑलमोस्ट 1500 लाइक्स करा पाओगे यार, जितना हो सके लाइक कर दो, ठीक है? एंड गाइस मैं संडे को भी यही वाला गेम प्ले लेकर के आऊँगा यार, बढ़िया लग रहा है। आप गाइस सीरियसली बता रहे, नॉर्मल आर्क सर्वाइवल खेलने में मेरे को इतना मज़ा नहीं आएगा यार। ये ग्राफिक देखने के बाद यार
सीरियसली मैन, यहाँ पे टीरेक्स भी देखने को मिलेगा, वो तो यार कतई यार बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग बनेगा मैन, वो बनेगा नहीं होगा यार। यहाँ पे घर के डेफिनेशंस बहुत बढ़िया होंगे, कल आज तो मैं घर का काम इतना कर नहीं पाया, कल घर का काम ठैच वाला घर बनाएंगे यार, क्या बढ़िया तरीके से बनाएंगे, सब कुछ यार अपने तरीके से ही करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी मौत नहीं होगा, कोई भी मॉडर्न डायनासोर नहीं होगा गाइस, खाली यहाँ पे ओरिजिनल डायनासोर के साथ ही हम लोग यार चीज़ें करने वाले हैं। एंड गाइस आज तो मैं सिर्फ इसी वाले एरिया पे रहा यार, कल वाले एपिसोड में मैं थोड़ा सा जंगल की तरफ जाऊँगा, पानी में जाऊँगा गाइस, कुछ और डायनासोर को मैं टेम करने की कोशिश करूँगा, ट्राइसरटॉप्स को भी टेम कर लूँगा। ट्राइसरटॉप्स को अगर मैं टेम कर लूँगा ना तो फिर जंगल में जाने का मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उसके लिए गाइस मुझे मॉर्टर एंड पेस्टल में तौर पर एरोज बनाना पड़ेगा, ठीक है, एरोज भी बना लेंगे ब्रो। अब जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा ना, एनग्राम में अगर देखोगे तो गाइस मैंने यहाँ पे मॉर्टर एंड पेस्टल यहाँ पे खोल लिया है यार। चीज़ें तो एकदम आर्क की तरह ही है, मतलब आर्क सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट ही है, बट थिंग इज दैट यहाँ पे ग्राफिक एंड कुछ कुछ चीज़ें बदल गए हैं, ठीक है यार। अगर आर्क असेंडेड ही इतना बढ़िया है तो यार आर्क जब तू निकलेगा वो तो यार कतई ओपी होगा। मुझे जानना है कि गाइस मैं इसको कैसे टीम कर पाऊँगा, मे बी यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, देखेंगे। ये एरो बनाने के बाद मैं इसको बेहोश करके देखूँगा, ठीक है, एंड देन गाइस मैं इसको बड़ा करूँगा यार, मज़ा आ जाएगा मैन, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा यार। एनीवेज ये कितना हो गया, 88, ये टेम होने ही वाला है मैन, ये टेम होने ही वाला है। एंड यार और देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा कर के यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, है ना। बट मुझे मर नहीं जाना है यार, यहाँ पे जंगल तो इतना घना है, व्हाट इज़ दैट, यहाँ पे बहुत सारे मेगलोडॉन है। यहाँ पे यार कुछ अलग किस्म के डायनासोर्स भी हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे फिर से भूख लग रहा है, एंड आई थिंक गाइस मेरे पास चिकन पड़े होंगे, दो पीस चिकन है यार मैं, ओके चिकन को खा लेता हूँ। ओके चिकन को मैंने खा लिया, थोड़ा सा पेट तो फुल हो जाएगा ना, हाँ थोड़ा सा पेट फुल हो रहा है। एंड आई थिंक ये टेम होने ही वाला है गाइस, ही इज अबाउट टू गेट टेम्ड यार, 93.3 हो ही चुका है गाइस यार, आराम से अब तो टेम हो ही जाएगा, फटाक से टेम हो जाएगा मैन। और ये चीज़ देख करके मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे यार जो डैमेज इफेक्ट है घायल होने के बाद जो इफेक्ट पड़ता है वही इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है यार, मेरे बॉडी पे भी था बट मेरा बॉडी अब हील हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो यार। एंड इसका बॉडी आप लोग देख पा रहे हो, इसका बॉडी फुल्ली घायल है। एनीवेज गाइस आई थिंक ये टेम हो ही चुका है, 95.8 गाइस। अब गाइस कुछ ही क्षण की बात है, ठीक है, एंड एक मिनट मैं दूर जाऊँगा ही नहीं, मैं इसके पास ही रहूँगा, ठीक है। टेम होने के बाद इसका नाम क्या रखूँगा, जब मैंने पहली बार यार आर्क सर्वाइवल खेला था ना, नॉर्मल वाला आर्क सर्वाइवल, उसमें भी गाइस मैंने कार्बोनिम्स को ही टेम करा था, एंड उसका मैंने नाम रखा था यार, मुझे पता है यार उसका नाम तूने रखा था टर्टल डेव। हाँ गाइस उसका नाम मैंने टर्टल डेव रखा था, एंड इसका नाम भी मैं गाइस टर्टल डेव रखने वाला हूँ। इस दुनिया का ये मेरा पहला कार्बोनिम्स, पहला डायनासोर है एक्चुअली गाइस, तो ऑब्वियसली कार्बोनिम्स को मैं टर्टल डेव नाम रखूँगा। एंड कार्बोनिम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है बट स्ट्रॉन्ग है ब्रो, टैंकी डायनासोर है, ठीक है। एंड बस 2% एंड इसी के साथ गाइस ये टेम हो चुका है, एंड ही विल बी माई टर्टल डेव। टर्टल, एक मिनट, टर्टल डेव या तो अब इसको एक सैडल पहनाना पड़ेगा। एंड इसका हेल्थ तुरंत फुल हो गया क्या, ओह वाओ गाइस यहाँ पे हेल्थ तुरंत फुल हो जाता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एनीवेज इसको इधर आ, इधर आ, इधर आ जा भाई, फाइट नहीं करना है, ठीक है, फाइट नहीं करना है, तो इधर आ बस, इधर आ, इधर आ। कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग वगैरह, ओके सेटिंग वगैरह यहाँ पे ठीक ही है, टी दबाएंगे तो ये फॉलो करेगा ना, टी दबाएंगे तो फॉलो करेगा, आजा आजा। एंड इससे मैं वो इससे मैं इमोट वगैरह भी दिखा सक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या दबा दिया हूँ, ओके तो मेरे को फ़िलहाल के लिए फॉलो मत कर यू। एंड गाइस अब चलो इमोट वाला सीन देखते हैं, ठीक है, रात होने वाला है। एंड इमोट तो ढेर सारे, व्हाट इज़ दिस, वो यहाँ पे तो ये भाई ये तो यार, ओ आर्क ने ये वाले इमोट उठा लिए यार, आर्क ने ना ये वाले इमोट उठा लिए यार, यार ये वाले तो मॉड में मिलता था ना, बट ये वाला इमोट उठा लिया यार, सीरियसली बता रहे। एंड ये देख रहे हो चेस बीट वगैरह ये सब कुछ इमोट इन लोगों ने मॉडरों से उठा लिया यार। भाई मॉडर का जलवा है यार। चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। आर्क असेंडेड टू विल रॉक, विल रॉक गाइस, दावे के साथ कह सकता हूँ।